इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस तरीके से आपको 4K वीडियो एडिट करना सिखाने वाला हूँ, 4K फोटो एडिट करना सिखाने वाला हूँ। इस एप्लीकेशन की मदद से आप किसी भी एक नॉर्मल वीडियो को बिल्कुल फुल हाई क्वालिटी में कर सकते हैं और बिना किसी प्रॉब्लम के साथ फुल हाई क्वालिटी में उसको कॉम्प्रेस कर सकते हैं, फुल HD क्वालिटी में उस वीडियो को बना सकते हैं। जितने भी स्टेटस आपने देखे होंगे कहीं सारे जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनकी क्वालिटी इतनी हाई होती है कि आप कितने जूम करें इनकी क्वालिटी खराब नहीं होती है। तो आप भी किस तरीके से अपने वीडियो को या फिर अपने स्टेटस वीडियो को इस तरीके से हाई क्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे, कंप्लीट में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और आप किसी भी इमेज को भी हाई क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन की मदद से। आप क्या-क्या कर सकते हैं, इतने सारे फीचर्स हैं। आज तक अगर आपने इस एप्लीकेशन का अभी तक नाम नहीं सुना होगा, यूज नहीं किया, तो आज से जरूर करना। कैसे डाउनलोड करना है, कैसे प्रैक्टिकली यूज करना है, आपका भाई कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताएगा। इस वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखना, मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आप एक नॉर्मल वीडियो को फुल हाई क्वालिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है। आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उस एप्लीकेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको पूरे आर्टिकल में मिल जाएगी। आप कंप्लीट थोड़ा सा टाइम निकाल कर पढ़ सकते हैं अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो एप्लीकेशन के बारे में। और उसके बाद आपको नीचे उसका डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, आप क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप सीधा एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर किसी नॉर्मल वीडियो को 4K में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद किसी फ़ोटो को हम हाई क्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे। अदर जिसके फीचर्स है उसके बारे में हम थोड़ी बहुत डिटेल में बात करेंगे ताकि आप उनको यूज कर सकें। ओके, अगर इसने कुछ ऐसे फीचर्स दे रखे जो कि अदर एप्लीकेशन में नहीं मिलते तो डेफिनेटली हमें वो यूज करने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको अपने वीडियो में दिखा के, जो वीडियो है मेरे गैलरी में जाके, वहाँ पर कुछ दिखाना चाहूँगा ताकि आपको कुछ पता चल सके। जैसे हमारे पास ये एक वीडियो है जिसकी जो साइज है वो यहाँ पर आप देखेंगे डिटेल के अंदर, तो यहाँ पर 11 MB है और इसको हमने जब हाई क्वालिटी में कन्वर्ट किया तो ये वही वीडियो है। इसकी साइज कितनी हो चुकी है आप यहाँ पर देख सकते हैं, 180 MB हो चुकी है, यानी कि ये वीडियो एक नॉर्मल क्वालिटी का था, उसके बाद इस वीडियो को हमने हाई क्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया। इस वीडियो को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, हमारे पास सिर्फ एक नॉर्मल वीडियो बचा है, हम उसी को रिटर्न फिर हाई क्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन में आ जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, इमेज क्वालिटी, AI, मतलब AI के काफ़ी फीचर्स भी इसमें मौजूद है। आप पूरा यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। हमें यहाँ पर अपने वीडियो को 4K में कन्वर्ट करना है, इसके लिए आपको आई रिपेयर पर आपको क्लिक करना है, ट्राई नाउ पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर ऑल है तो आप वीडियो पे क्लिक करके सारे वीडियो आपके आ जाएंगे। यहाँ पर हम ये वाला वीडियो लेते हैं, ओके पे हम क्लिक कर देते हैं, हमारा वीडियो यहाँ पर ऐड हो जाएगा जो मैं आपको प्ले करके भी दिखाऊंगा। आप अपने वीडियो को 4K में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी ये वीडियो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल क्वालिटी का। इसको आपको 4K में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 2K लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, नाइट व्यू, हाई क्वालिटी, अपने हिसाब से। लेकिन अगर आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में नहीं आती तो आप डायरेक्ट ऑटो के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से इसको कॉम्प्रेस कर देगा। हमने इसको ऑलरेडी कॉम्प्रेस कर रखा है तो यहाँ पर ज़्यादा प्रोसेसिंग इसने नहीं लिया और बिल्कुल कम टाइम में हमारे वीडियो को कॉम्प्रेस कर दिया। तो मैं आपको शुरू से इसको प्ले करके दिखाना चाहूँगा। ये वीडियो पहले कुछ इस टाइप का था और जैसे हमने इसको किया ये कुछ इस टाइप का हो चुका है। इसके अंदर कितना फ़र्क आ चुका जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इतनी हाई क्वालिटी का हो चुका है। पहले कुछ इस टाइप का था, अब कुछ हमारा वीडियो कुछ इस टाइप का हो चुका है, यानी कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। यानी कि एक नॉर्मल वीडियो को हमने काफ़ी हाई क्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया। ये एक नॉर्मल वीडियो है, ये एक हाई क्वालिटी वीडियो है। इसको गैलरी में सेव करने के लिए आपको सिर्फ सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना और आपका वीडियो सक्सेसफुली गैलरी में यहाँ पर सेव हो जाएगा। थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा 100%। जैसे ही ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होता है आपका वीडियो गैलरी में चला जाएगा। मैं यहाँ से फिलहाल के लिए कैंसिल करके आगे आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं अपने किसी वीडियो को आपको कॉम्प्रेस करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है यहाँ पर, उस वीडियो को ही मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा।
तो यहाँ पर हम किसी एक वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हम ये वाला वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं जिस वीडियो को हम हाई क्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा मुझे जुकाम है तो आपको मेरी थोड़ी आवाज़ अलग आएगी। तो यहाँ पर मैं इसको प्ले करता हूँ, तो ये हमारा एक वीडियो है, बट ये हमारा वीडियो है, ठीक है। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस वीडियो को हम करते हैं हाई क्वालिटी में। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम ऑटो पे क्लिक करते हैं, ये यहाँ पर 100% का टाइम लेगा और हमारा जो वीडियो है वो हाई क्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं वेट कर लेता हूँ, आपको भी वेट करना है। सो फाइनली कुछ प्रोसेसिंग के बाद हमारा वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ऊपर यहाँ पर देखिए कितना फास्ट हो रहा है, ये होने के बाद ऊपर आपको यहाँ पर 100% हो जाएगा। अब हमारा वीडियो हो चुका है हाई क्वालिटी में, यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये वीडियो हमारा हो चुका है हाई क्वालिटी में और यहाँ पर मैं रोक के आपको दिखाता हूँ। पहले कुछ इस टाइप का था, अब हमारा वीडियो कुछ इस टाइप का हो चुका है। इसके अंदर कितना फ़र्क आया आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो हमारा हाई क्वालिटी में हो चुका है। इसको सेव करने के सिंपल आपको सेव पर क्लिक करना है, आपका वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा। मैं कैंसिल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे आ जाता हूँ। ये तो रही हम वीडियो को हाई क्वालिटी में कैसे बनाएंगे। ओके, सेकंड चीज, इमेज क्वालिटी पे आप क्लिक करेंगे, ट्राई नाउ पे क्लिक करेंगे, फोटो पे क्लिक करना है। आप जिस भी फोटो को एचडी में करना चाहते हैं, सिंपल से आपको अपने फोटो को सेलेक्ट करना है, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे और आपका फोटो यहाँ पर हाई क्वालिटी में बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिंपल से आप सेव कर सकते हैं। इसको भी मैं कैंसिल कर लेता हूँ। इसमें कुछ ऐसा फीचर है जो कि मैंने कल थोड़ा सा यूज किया था, जैसे ये बैकग्राउंड एक्सप्लेनेशन है, नाम मुझे नहीं आ रहा प्रॉपर, तो ये है। तो इसके अंदर मैं आपको कोई अच्छा एक फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ, उसका क्या होगा वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। जैसे हमारे पास एक फ़ोटो है, ये वाला फ़ोटो, ठीक है। ये फ़ोटो आप देख सकते हैं, नीचे आपका इसका पैर कट रहा है, ठीक है। तो इस फ़ोटो को हम फुल में कैसे करेंगे, जैसे हम फ्री पे क्लिक करते हैं, साइज ले रहे हैं 9x16, उसकी साइज, फ़ोटो की साइज को हम थोड़ा सा देखिए साइड में थोड़ा सा बैकग्राउंड खाली है, ऑटोमेटिक बैकग्राउंड आ जाएगा, लेकिन हम इसकी साइज को थोड़ा सा और यहाँ से कम कर लेते हैं। उसके बाद ठीक है, इतना ही रखते हैं। उसके बाद हम क्लिक करते हैं स्टार्ट के ऊपर। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो फोटो है उसके अंदर चारों ओर जो बैकग्राउंड कम है ना, इसको फुल कर देगा ऑटोमेटिकली। बैकग्राउंड कहाँ से लेके आ जाएगा, AI की मदद से ऑटोमेटिकली। आप देखेंगे बिल्कुल ऐसा लगेगा ये रियल फोटो है, ठीक है। मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। तो फाइनली ये 100% होने को आया है। यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखाना चाहूँगा आपका फ़ोटो किस तरीके से होगा, मैं भी देख लेता हूँ अभी। देखिए फाइनली हमारा फ़ोटो हो चुका है। नीचे आप देखेंगे तो ये पैर नहीं था, ऑटोमेटिक पैर आ चुका है। नीचे फर्श नहीं था, वो भी आ चुका है। और हमारा फ़ोटो कुछ इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट एडिट भी हो चुका है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको एडिट कर सकते हैं, जो कि मैंने कल भी इसको ट्राई किया था। और एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहूँगा, मुझे कुछ अलग सा लगेगा बट मैं आपको दिखाना। ये फ़ोटो मेरा यहाँ तक था और इस फोटो को AI ने कुछ इस टाइप का बना दिया। नीचे हाथ जो भी है ऑटोमेटिक AI ने बना दिए, यहाँ से इस फोटो को इसने बनाया है और इस फोटो को भी बना रखा है। ये हाथ बना हुआ है जैसे आप देख सकते हैं, और नॉर्मल फोटो ये है और इसको इस तरीके से बना रखा है। ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है और इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिएगा और आप किसी भी एक नॉर्मल वीडियो को हाई क्वालिटी में कर सकते हैं। जिस वीडियो को हमने सेव किया वो वीडियो हमारी यहाँ पर वीडियोस के अंदर आ चुका होगा। और मैं इसको क्लोज करके रिटर्न क्लिक करके दिखाता हूँ, हमने उस वीडियो को शायद सेव नहीं किया होगा, सेव करते तो वो अभी यहाँ पर आ